प्यारी गिलहरी, पर याद रहे ये फूल प्रिंसेस सेलेस्टिया के लिए है, तो हमें सबसे खूबसूरत फूल चाहिए होंगे। ला 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 ला। हेलो नन्हे दोस्त, मैंने तुम्हारे जैसा कोई पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो। तुम्हें तो सच में बहुत भूख लगी है। तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। मैं तुम्हें अपने दोस्तों को जरूर दिखाऊंगी। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती है पक्की। ओह जल्दी करो स्पाइक, ये जगह अपने आप साफ नहीं होने वाली। ये कचरा मैंने तो नहीं फैलाया है। प्रिंसेस सेलेस्टिया कल यहाँ आने वाली हैं। मुझे लगा वो बस यूं ही मिलने आ रही है। शाही लोग कभी यूं ही मिलने नहीं आते। मुझे ये जगह बिल्कुल साफ चाहिए और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। शायद तुम्हें एक बार में एक ही किताब पढ़नी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मजाक के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। पता है ये काम बहुत आसान हो जाएगा अगर हम दोनों एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दे। अच्छा आइडिया है, तुम सफाई करो, मैं देखती हूँ कि बाकी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। शायद मैं बाकी का नाम कहाँ गया? हम पूरा नाम यहाँ फिट नहीं कर पा रहे। हम एक इनकम्प्लीट बैनर नहीं लगा सकते जिस पर लिखा हो वेलकम प्रिंसेस सेलेस्ट। ये अच्छे लग रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। हेलो मिस्टर एंड मिसेस केक, खाने की तैयारी कैसी चल रही है? ये काम थोड़ा सा और बेहतर हो पाता अगर। केक्स प्रिंसेस के लिए हैं। मैं जानती हूँ इसलिए मैं उन्हें टेस्ट कर रही हूँ। किसी ना किसी को तो ये देखना होगा कि ये मिठाइयाँ शाही मेहमानों के लायक भी है या नहीं। और मैं पिंकी पाई ये ऐलान करती हूँ कि ये मिठाइयाँ किंग के लिए बिल्कुल ठीक है या फिर किसी क्वीन के लिए या फिर प्रिंसेस के लिए। ट्वाइलाइट, पिंकी तुम्हें यकीन नहीं होगा। ओह आई एम सॉरी, सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। आओ फ्लटरशाय तुम भी कुछ ट्राई करो। क्या बात है फ्लटरशाय? तुम यकीन नहीं करोगी मुझे एवरफ्री फॉरेस्ट से क्या मिला। बाहर आ जाओ नन्हे दोस्त, सब ठीक है। तीन? ये तो बहुत खूबसूरत है, पर ये है क्या? मुझे नहीं मालूम और मुझे ये भी नहीं पता ये बाकी दोनों कहाँ से आए। इनमें से एक मैं ले जाती हूँ, मैंने इतनी प्यारी चीज कभी नहीं देखी। ये कितने प्यारे हैं। और फिर स्पाइक को भी एक साथ ही मिल जाएगा, फिर वो मुझे पढ़ते वक्त परेशान नहीं करेगा। पिंकी क्या तुम इसे लेना चाहोगी? एक पैरासाइट, क्या तुम मजाक करी हो? एक पैरा क्या? ये तुम्हें कैसे पसंद नहीं? अब मुझे जाकर एक ट्रॉम्बोन ढूंढना पड़ेगा। एक क्या? एक ट्रॉम्बोन, वो बजता है। ओह, पिंकी पाई। सीधे
जल्दी खड़ी रहो रेनबो डैश। नहीं रह सकती, मुझे उठना है, मेरे लिए ये काम बहुत ही बोरिंग है। तुम प्रिंसेस सेलेस्टिया के सामने अच्छे दिखना चाहती हो कि नहीं? वाओ रैरिटी, ये आउटफिट्स तो बहुत सुंदर हैं। थैंक यू ट्वाइलाइट, सुनकर अच्छा लगा कि किसी को तो मेरे हुनर की कद्र है। सो बोरिंग। हाँ, ये आवाज कैसी है ट्वाइलाइट? वाओ, ये क्या है? तुम्हें पूछना चाहिए ये आए कहाँ से। एक मिनट पहले मेरे पास सिर्फ एक ही था। इनमें से एक ले सकती हूँ? मुझे भी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्या किसी को पता है मुझे एकॉर्डियन कहाँ मिलेगा? गर्ल्स, हेलो, ये बहुत ही जरूरी है। थैंक्स अ लॉट। डेकोरेशन, खाना, आई होप कि कल तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। ये दोनों सोते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। मालूम, इसे भूख लगी थी तो मैंने इसे कुछ खाने के लिए दिया, पर मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। ओह नहीं, ये तो सब कुछ खराब कर रहे हैं। प्रिंसेस कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँचने वाली है। स्पाइक, इन्हें इकट्ठा करने में मेरी हेल्प करो। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? जानता हूँ, बेवकूफी बंद करो। नहीं हो बल्कि तुम बहुत काम की चीज भी हो। ओ, क्या तुम ठीक हो? नहीं नहीं, गंदा गंदा गंदा, कोई भी एनिमल जो इस तरह बदतमीजी करता है मेरे बुटीक में नहीं रह सकता, समझे? ये देखो रैरिटी, एप्पलजैक ने मुझे एक हार्मोनिका दिया है। ये अच्छा है ना? और बिल्कुल वक्त पर। पिंकी, इस वक्त मैं थोड़ी बिजी हूँ। और मैं नहीं हूँ, क्या तुम्हें मालूम भी है मुझे और कितने सारे इंस्ट्रूमेंट जमा करने हैं? बहुत सारे, समझी? अब अगर इस लिस्ट को आपस में बांट ली तो काम वक्त पर खत्म हो जाएगा। प्लीज पिंकी, मेरे पास इस सब के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरे पास इससे बड़ी एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है और उसका सिर्फ एक ही हल है, वो है बैंजो। मेरे ख्याल से हम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है। दूर हटो। फ्लटरशाय एनिमल्स के बारे में सब जानती है। I'm sure उसे पता होगा कि इन्हें बढ़ने से कैसे रोकना है। या शायद नहीं। कुछ करो फ्लटरशाय, तुम्हें इन्हें कंट्रोल करना नहीं आता? मुझे जो आता है मैंने सब करके देख लिया, इन्हें डराकर, धमकाकर, प्यार से समझाकर, सब कुछ। अगर हम प्रिंसेस के आने से पहले इन्हें काबू में नहीं कर पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी मानो तो सब कुछ पहले ही बर्बाद हो चुका है।
तुम्हारे एप्पल्स ले आई फ्लटरशाय, पर तुम्हें इतने सारे एप्पल्स क्यों चाहिए? अब हम क्या करें? मैं समझ गई, एप्पल जैक से बेटर ये काम कोई नहीं कर सकता। हाँ, हम उन्हें जंगल में वापस छोड़ सकते हैं। मैं इन्हें जमा कर लूंगी, पर मुझे हर पोनी की मदद चाहिए। ट्वाइलाइट, तुम और रैरिटी वहाँ रुको, मैं इन सबको तुम्हारी तरफ भेजती हूँ। रेनबो डैश, तुम और फ्लटरशाय ऊपर से संभालो, उन्हें उड़ने मत देना। ठीक है। मराकस? पिंकी, हमारे पास मराकस ढूंढने से कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आ, सही कहा, सबसे पहले हमें एक ट्यूबा का इंतजाम करना होगा। मेरे पीछे आओ। मैंने कहा ना, मेरे पीछे आओ। पिंकी पाई, तुम कभी भी कुछ भी करती रहती हो और तुम सबके सब बहुत जिद्दी हो। उस पर ध्यान मत दो गर्ल्स, फोकस, उन्हें आगे की तरफ ले जाओ। शाबाश एप्पलजैक। थैंक यू तुम सब लोगों को। चलो अब जल्दी से जाकर सफाई करते हैं इससे पहले कि प्रिंसेस पहुंच जाए। ओके, सब लोगों को पता है ना उन्हें क्या करना है, राइट? बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, अब हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये क्या, ये कहां से आए? Well, शायद मैंने एक को अपने पास रख लिया था। मैं खुद को रोक नहीं पाई, वो कितने क्यूट है। हमारे पास इन्हें बार बार भगाने के लिए वक्त नहीं है, अब हम क्या करें? हमें जरूरत है वेदर पेट्रोल की। वो इस क्यूट कचरे को बाहर कर देगी। भूल सकती हो? तुमने पोनीविल को बचाने की कोशिश को बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद कर दिया? मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया, बर्बाद तो मेरी कोशिश हुई है, या फिर बर्बादी तो मेरी हुई है। बर्बाद या बर्बादी? कम ऑन गर्ल्स, इसे समझाना हमारे बस की बात नहीं, इसमें दिमाग थोड़ा सा कम है। hey, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरी सिंबल उस तरफ उड़ी थी। क्या तुम लोग एक मिनट रुक कर मेरी बात सुनोगे? मैं उन्हें खाने से रोकने के लिए उन पर जादू कर सकती हूँ।
ये काम कर रहा है, वो अब खाना नहीं खा रहे हैं। ओ नहीं, अगर वो मेरे स्टोर में घुस गए तो सब लोग अपनी जान बचाकर भागो। मेरे आउटफिट, जाओ यहाँ से, शू, चलो भागो यहाँ से। तुम पागल हो गई हो, ज़ेकोरा, ये छोटे इंसेक्ट्स पॉलीवल को बर्बाद कर रहे हैं और प्रिंसेस यहाँ आने ही वाली हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो प्लीज? ओह मॉन्स्टर जिसकी है छोटी साइज, क्या मेरी आंखों के सामने है पेरिस प्राइम? मैं नहीं जानती, क्या ये वही है? फसलें और शहर सब हुए बर्बाद, अगर ये इंसेक्ट पॉलीवल में है तो तुम गए काम से। ओह नो, वो आ गई। हाँ? ओके, तो ये रहा प्लान। रेनबो डैश, तुम उनका ध्यान बटाओ। गुड, और बाकी लोग, हमें बिल्कुल पॉलीवेल जैसा एक और शहर बनाना होगा, ठीक वहां पर, और जल्दी। ज़ेकोरा सही थी, हम बर्बाद हो गए। ओह नो, प्रिंसेस की सवारी पहुंच चुकी है, सब खत्म हो गया। पिंकी, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये बात तुम्हारी बकवास का नहीं है। ट्वाइलाइट स्पार्कल, मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट। हेलो प्रिंसेस, तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई और तुम्हारे दोस्तों से मिलकर भी। तो आपका सफर कैसा रहा? ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? ये क्या है? ये इंसेक्ट्स तो बड़े प्यारे हैं। ये इतने भी प्यारे नहीं हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने और पॉनीविल के लोगों ने मेरे लिए इस परेड का इंतजाम किया है। परेड? हाँ, परेड। लेकिन बदकिस्मती से हमें इस विजिट को दोबारा प्लान करना पड़ेगा। एक्चुअली फिलाडेल्फिया में एक इमरजेंसी आ गई है, वहाँ किसी तरह की बीमारी फैल गई है, मुझे जाना होगा। एक बीमारी? हाँ, बेचारी शहर पर बहुत सारे छोटे शैतान एनिमल्स ने हमला बोल दिया है। मैं माफी चाहती हूँ ट्वाइलाइट कि तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। परेशानी? कैसी परेशानी प्रिंसेस? मेरे जाने से पहले क्या तुम मुझे मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप की रिपोर्ट देना चाहोगी ट्वाइलाइट? मेरी
रिपोर्ट? क्या तुमने फ्रेंडशिप के बारे में कुछ नहीं सीखा? एक्चुअली मैंने सीखा है कि कभी कभी आपकी परेशानियों का हल ऐसी जगह से भी आ सकता है जहाँ से आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो। कभी कभी हमें अपने दोस्तों के आइडियाज भी सुन लेने चाहिए, भले ही वो आपको समझ में ना आए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है ट्वाइलाइट स्पार्कल, और मुझे तुम्हारे दोस्त भी बहुत पसंद आए। देखकर लगता है कि तुम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो। थैंक यू प्रिंसेस। फिलाडेल्फिया में कोई इमरजेंसी है, किसी तरह की कोई बीमारी। ओह नहीं, क्या उनके यहाँ भी पैरासाइट्स आ गए? वेल, मेरे पास ट्यूबा है और मैं सफर कर सकती हूँ। आई थिंक प्रिंसेस वहाँ सब संभाल लेंगी। तो तुम्हें शुरू से ही उन जानवरों के बारे में पता था ना पिंकी पाई? वेल सुनो, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी बेचैनी से अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्यों जमा कर रही थी? मैं बताना चाहती थी कि हम जानते हैं पिंकी पाई, हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। सॉरी पिंकी, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो, भले ही हमें तुम्हारी बात समझ में आती हो। थैंक्स दोस्तों, तुम सब भी बहुत अच्छी दोस्त हो। कभी कभार मैं भी खुद को नहीं समझ पाती। तुमने प्रिंसेस सेलेस्टिया के सामने मेरी इज्जत बचा ली, और सबसे जरूरी बात, तुमने पोनी विल को बचा लिया। या शायद नहीं।